हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वा संतोष वैरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम नंबर सिस्टम ब्लॉग में ये टाइप टू क्वेश्चन बेस्ड ऑन सम ऑफ स्क्वायर्स एंड क्यूब्स ऑफ नंबर्स या नेचुरल नंबर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन लेके आए हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मींस नेचुरल नंबर वन से स्टार्ट होते हैं। तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन सिक्स एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन। ये फॉर्मूला अपना हमारे पास है, डिनोमिनेटर में सिक्स रहेगा। इसी तरीके से देखिए सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, मीन्स वन क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस फोर क्यूब प्लस फाइव क्यूब एन क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। देखिए स्क्वायर वाले में ये फर्स्ट वाला है और क्यूब वाले में सेकेंड वाला। इसको के हिसाब से देखिए, फर्स्ट वाला लगेगा हम एन की वैल्यू क्या है 80, या n की वैल्यू क्या है 80, तो क्या हो जाएगा यहां फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए इस फॉर्मूले के हिसाब से फर्स्ट पर 1 अपॉन 6 n, n कितना 80 प्लस 1 2 इंटू 80 प्लस 1। ये देखिए तो इस फॉर्मूले के हिसाब से अपन सॉल्व करेंगे इसको हम, तो देखते रहे। देखो तो वन अपॉन सिक्स इंटू एट्टी इंटू एट्टी वन टू एट जस्ट सिक्सटीन वन सिक्सटी प्लस वन वन सिक्सटी वन ये न्यूमरेटर में ऑल साथ ये सब न्यूमरेटर में है। तो देखिए ये टू थ्री या टू फोर्टी टाइम और थ्री से 27। अब इन थ्री नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 173880880। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा हो गया स्क्वायर वाला। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। अब सेकंड में देखिए वो सेम क्वेश्चन है, वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर, या n की वैल्यू 70 है। तो n की वैल्यू 70 है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, यहां देखिए फॉर्मूला होता है वन स्क्वायर टू स्क्वायर थ्री स्क्वायर एन स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है वन अपॉन सिक्स एन एन प्लस वन और टू एन प्लस वन, ये फॉर्मूला होता है इसका। देखिए तो ये फॉर्मूला अपना होता है, डिनोमिनेटर में होता है क्या होता है सिक्स और न्यूमरेटर में जैसा। तो रखिए तो एन की वैल्यू है 70 है, एन की वैल्यू क्या है 70, तो 70 70 प्लस वन टू इंटू 70 प्लस वन और डिवाइड में क्या है सिक्स, तो क्या हो जाएगा 70 70 वन और 141 डिवाइड में सिक्स, तो टू थ्री जा 35। अब थ्री से कैंसिल करेंगे, थ्री फोर जा 12 थ्री सेवन जा 21। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो बी फाइंड क्या मिल रहा है हमको, देखिए 116 795 795। तो सेकंड वाला क्वेश्चन भी अपना हो गया। देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इस वाले क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ा था, इसमें ये चलो हो गया यहां तक तो ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वो अलग है। तो थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, तो थर्ड में दिया है क्या दिया है, देखो 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर
इसके बाद 22 स्क्वायर और लास्ट में क्या है 70 स्क्वायर, कितना है 70 स्क्वायर। देखिए तो अपने पास जो फॉर्मूला है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से 1 से स्टार्ट कर देते हैं इसी क्वेश्चन को। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 20 स्क्वायर 21 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर, मतलब 1 से लेके 70, तो 1 से 70 में जो फॉर्मूला लग जाएगा क्या लगेगा 70 71, ये रिपीट हो रहा है 141, ये मान लीजिए अपॉन 6। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिला देखिए, यही रिपीट हमने कर दिया है 116795, बट वी आर गिवन फ्रॉम 20, हमारे पास 20 से स्टार्ट था, इसका मतलब है हमने अपनी मर्जी में कहां तक इसमें ऐड किया है 19 तक, या हमने 19 तक ऐड किया अपनी मर्जी से, तो जितना ऐड किया वो माइनस करना पड़ेगा। नाउ देखिए तो हम निकालेंगे इसमें 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 19 स्क्वायर, जो हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था यहां पर इसमें, इसके अंदर एक्स्ट्रा ऐड करके निकाला है, तो हमें अंश जो फॉर्मूला है वो 1 से ही स्टार्ट होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 टू इंटू 19 प्लस 1 अपॉन 6, इस हिसाब से क्या बनाया 19 20 और ये हो जाएगा 39। 6 जरा देखिए 2 3 जा 2 से 10 3 से 13, अब इन तीनों नंबर्स का सब मल्टीप्लाई करेंगे 19 10 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 2 2 4 7 0। देयरफॉर अब हमें क्या देखिए 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर अप टू 70 स्क्वायर। अब देखो जी 1 से स्टार्ट किया था तो हमारा आंसर क्या था 116795, इसमें एक्स्ट्रा ये वाली चीज एक्स्ट्रा ऐड की थी, जो ऐड किया था वही हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे कितना करेंगे माइनस 2470, तो माइनस करने पर जो हमारा आंसर आएगा 114325। तो इस क्वेश्चन में देखिए जो 1 से स्टार्ट नहीं होते हैं, जैसे 20 स्क्वायर से लेके 70 स्क्वायर तक था, तो हमने इसे 1 से लेके 90 स्क्वायर तक का ऐड किया था, तो ये 1 से 70 स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया जी 1/6 एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1। अब इसके बाद जो हमने ऐड किया उसका एक्स्ट्रा निकाला अलग से और फिर टोटल में से माइनस कर दिया, तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट वाला देखेंगे, अब इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 90 क्यूब, तो यहां फॉर्मूला देखिए आप 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू एन क्यूब इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में एन की वैल्यू कितनी है यहां पर 90, एन की वैल्यू कितनी 90, तो 90 लगे रख जाएंगे यहां, क्या आ जाएगा देखिए 90 × 90 + 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, देखिए ये 45, तो 45
इंटू 91 होल स्क्वायर। देखिए तो ये अपना यहां तक तो ये आ ही गया अपना। अब इसका स्क्वायर करने के बाद आप मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करेंगे तो हमें फाइनल आंसर लिख रहा हूं, बहुत बड़ा आंसर आ रहा है 1776 9025। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया। ये देखिए इसमें ये फॉर्मूला भी वन से स्टार्ट होता है, वन क्यूब से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, देखिए इसमें फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें क्या है 15 स्क्वायर 15 क्यूब प्लस 16 क्यूब प्लस 17 क्यूब प्लस 60 क्यूब। तो 15 क्यूब से स्टार्ट है तो हमको इंक्लूड क्या करेंगे, देखो हम अपनी मर्जी से इस पे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 14 क्यूब तक ऐड कर देंगे। तो ये 1 से लेकर डायरेक्ट हुआ कितना हो गया 15 क्यूब 16 क्यूब 17 क्यूब और लास्ट में क्या 60 क्यूब। अब ये हो गया 1 से लेकर स्टार्टिंग 1 से हो गया 1 से लेकर 60 क्यूब तक का। तो ये फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। देखिए तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या बनेगा, ये देखिए 60 और 60 प्लस 1 तो 60 1 अपॉन 2 2 से 30। अब स्क्वायर करके इसका मल्टीप्लाई करके हम स्क्वायर कर लेंगे। देखिए 30 61 तो ये कितना आने वाला है, ये इसमें आंसर आ गया 334 8900 8900 ये आ गया। लेकिन अपने पास अपने देखो एक्स्ट्रा क्या ऐड किया था, इस फॉर्मूला समझ लो ये अंडरलाइन वाला 1 क्यूब से लेके 14 क्यूब तक हमने ऐड किया तो यही हमें माइनस करेंगे तो हमें ये आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए एंड अब हम क्या करने वाले 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 14 क्यूब। तो 14 क्यूब हम ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा अब n या 14 आ जाएगा तो 14 और 14 प्लस 1 15 अपॉन 2 होल स्क्वायर 17 ये आ गया 7 105 स्क्वायर करेंगे इसे कितना हम निकालेंगे 105 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 110 25। तो देखिए तो जो हमने एक्स्ट्रा किया था वो हम इसमें माइनस कर देंगे देयरफॉर 15 क्यूब 16 क्यूब 17 क्यूब अप टू 90 क्यूब। इसे हम क्या करेंगे, देखो 1 से स्टार्ट किया तब कितना आया, ये आया देखिए 334 8900 और हमने इसमें ऐड क्या किया था 1 से लेकर 14 क्यूब तो ये माइनस कर देंगे तो माइनस में आ जाएगा 110 25। तो माइनस करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा 333 3 3 3 8 7 5 7 8 7 5। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन अपना इस टाइप से हुआ है, मतलब 1 से क्यूब दिया जाएगा डायरेक्ट तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 से क्यूब नहीं है तो पहले उसे ऐड करके 1 क्यूब से स्टार्ट करेंगे और फिर जितना एक्स्ट्रा ऐड किया उसको हम माइनस कर देंगे। तो ये हमारा तरीका रहेगा। तो देखिए अब टाइप टू भी फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग। तो ये सम ऑफ इवन नंबर स्क्वायर ऑफ और ऑड नंबर स्क्वायर, देखिए जैसे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर है। तो यहां पे देखिए इवन नंबर का स्क्वायर, सम ऑफ इवन नंबर स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर n स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है n n+1 n+2 अपॉन 6। इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए
तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर एंड 20 स्क्वायर। एन की वैल्यू 20 है, या एन क्या है 20 है, तो रखिए 20 21 और 22 अपॉन 6, तो ये 10 हो गया, ये 7 हो गया। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तीनों का, तो ये मल्टीप्लाई करने पे 1540। तो यहां एक शर्त है ध्यान रखने फॉर्मूले में, क्या, वेयर एन इज इवन। तो इस फॉर्मूले में एन इवन होना चाहिए, मतलब लास्ट वाला नंबर है ना, ये इवन होना जरूरी है इवन नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेकंड, तो ये सेकंड है 36 स्क्वायर 38 स्क्वायर 38 स्क्वायर 38 स्क्वायर 38, के बाद आएगा 40 स्क्वायर एंड अप टू लास्ट में 70 स्क्वायर। तो लास्ट में 70, ये भी इवन है, लेकिन देखो ये फॉर्मूला अपना 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तो अपनी मर्जी से हमने देखी क्या किया यहां 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर डॉट डॉट 34 स्क्वायर, ये हमने ऐड किया है, इसमें हमने ऐड कर दिया 34 स्क्वायर। आगे 36 स्क्वायर 38 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा 40। ये आगे चल के 70 स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, एन 70 है, 70 71 72, फॉर्मूले के हिसाब से एन n+1 n+2 अपॉन कितना है ये 3 6 है, तो 2 3 जा ये 35 और 3 से करेंगे 24, ये आ गया। इन सब तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 59 59 640 59 640। देखिए हमने एक्स्ट्रा क्या ऐड किया है, हमने एक्स्ट्रा किया 34 स्क्वायर तक, तो इसे एक्स्ट्रा वाला निकालेंगे हम 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 34 स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे एन, अब की बार क्या 34 है, तो एन एन प्लस वन, तो 34 प्लस 1 कितना आ जाएगा 35 into 36 divided by 6। इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, देखिए 7140। अब ये 2 स्क्वायर से स्टार्ट किया था तो इसमें से हम ये माइनस कर देंगे, देयरफॉर 36 स्क्वायर 38 स्क्वायर 40 स्क्वायर लास्ट में 70 स्क्वायर। तो हमने जो ऐड किया था वो माइनस कर देंगे, तो यार 59640 माइनस ये निकाला हमने 7140। देखिए तो ये आया 525 5250। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए तो जब भी 2 से स्टार्ट नहीं होता है, 36 स्क्वायर था तो हमने ये 34 तक ऐड कर दिया, वही फिर हमने माइनस कर दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, इसमें क्वेश्चन 3 है, देखिए तो थर्ड क्वेश्चन है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मूले लिख देते हैं एन स्क्वायर, और देखो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, इसमें भी वही फॉर्मूला है एन एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन सिक्स। ऑड में ध्यान रखना, वेयर एन इज ऑड, ध्यान रखना एन इज ऑलवेज
हमेशा ऑड होना चाहिए, एन क्या होना चाहिए, ऑड। अब इस फॉर्मूले के साथ देखिए, तो इसमें फॉर्मूले में जो कुछ दिया है, क्या दिया है देखिए, वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर, लास्ट में है 21 स्क्वायर। तो 21, 22, 23 इसे डिवाइड करेंगे 6 से, तो क्या आ जाएगा, 3 7 जा 3 2 जा 2 से 11। अब इनका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है देखिए, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1771। ये हो गया हमारा। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या हो रहा है इसमें। फोर्थ क्वेश्चन में हमें कहां से स्टार्ट हो रहा है देखो, 15 स्क्वायर था, देखिए 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर 19 स्क्वायर अप टू कहां तक चल रहा है 37 स्क्वायर, कहां तक मिल रहा है हमको 37 स्क्वायर, ध्यान रखना। तो ये हमें मिल रहा है 37 स्क्वायर। ये देखिए, तो ये हमें कहां से ऑड नंबर है, तो ये कहां से स्टार्ट होनी, वन से, तो हम वन से स्टार्ट कर देते हैं, वन वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर और लास्ट में 13 स्क्वायर। तो ये हमने एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, देखो इसमें 15 से स्क्वायर था, हम 13 स्क्वायर तक हम इसको एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा वन से स्टार्ट हो गया, देखो 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर 19 स्क्वायर और अप टू 37 स्क्वायर। अब हम यहां फॉर्मूला लगेगा वन से लेके 37 वाला, तो यहां लग जाएगा 37 38 39, ये 6 आ गया, 2 3 जा ये 19, 3 से 13। अब 37 19 और 13 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल रहा देखिए, तो ये मिल गया देखिए, तो ये हमको कितना मिल रहा है, वन स्क्वायर से लेके ये वन मिल रहा है 9139। तो एक्स्ट्रा हमने जो कुछ ऐड किया उसका अलग से निकालना पड़ेगा आपको, ये एक्स्ट्रा किया, इतना हमने एक्स्ट्रा किया है तो इसका हम अलग से निकालेंगे। नाउ वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर 13 स्क्वायर, तो इसको हम एक्स्ट्रा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, एन एन प्लस वन 14 एन प्लस टू 15 अपॉन 6, 2 3 या 6 2 से 77 3 5 या 15। तो अब इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 455। देयरफॉर देखिए अब हमें जब फाइंड करना है तो क्या 15 स्क्वायर 17 स्क्वायर 19 स्क्वायर अप टू 37 स्क्वायर, तो वन से स्टार्ट किया था तो हमारा कितना आंसर आया था पूरा 37 स्क्वायर तक 9139। और वन से ये एक्स्ट्रा 13 तक स्क्वायर इसका कितना आया 455। ये माइनस कर देंगे वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 8684। तो ध्यान रखना आप इस तरीके से हमने देखा, तो क्वेश्चन अगर आप तरीके से करेंगे समझिए।